हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, मेरा नाम है अरबाज शाह और आप देख रहे हैं अरबाज शाह फिटनेस चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है फुल डे वीडियो रहेगी, जो हमारी डाइट है और एक्सरसाइज है, इस वीडियो में पूरी फुल डे वीडियो दिखाई जाएगी। तो गाइस, अब जो सुबह में नाश्ते में लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सुबह सुबह में मैं आप क्या लूँगा। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ तीन चार दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं लेकर आ रहा था क्योंकि मैं मिक्स सेट लगा रहा था। गाइस, जो मैं वर्कआउट दिखाऊंगा, एक्सरसाइज दिखाऊंगा, मेरी जो जिम है जो मैंने ज्वाइन की है तीन चार दिन पहले, तो उसमें साउंड बजते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं, तो मैं म्यूज़िक लगाकर कोई आपको इस तरह से ही सेट दिखाऊंगा। हेलो गाइस, जो मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा, एक्सरसाइज दिखाऊंगा, वो म्यूज़िक लगाकर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जो जिम है जिसमें मैंने ज्वाइन किया है उसमें गाने बजते रहते हैं, तो मैं आपको म्यूज़िक लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, आपकी ये फुल डे वीडियो रहेगी और बने रहना इस वीडियो में अंत तक, और मैं आपको दिखाता हूँ सुबह की डाइट क्या रहेगी मेरी नाश्ते में। गाइस, तो सुबह के वक्त में जो हमें नाश्ते में खाना है, ये सब आइटम मैंने ले लिए हैं। दो अंडे हैं और एक केला, और दूध में बना हुआ दलिया, और ये हमारा 300 ग्राम दूध है जिसमें हम एक स्कूप गेनर खाएंगे। 300 ग्राम दूध है, दलिया है, ये दूध है, ये हमारा स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर है, इसका हम एक स्कूप ले लेते हैं। ये क्या दूध में, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको पी लेता हूँ, इसके बाद मैं खा लेता हूँ केला। अब दो अंडे उबले हुए, हमें सिर्फ इसके सफ़ेद हिस्सा खाना है। मैंने सब लेना था, हाथ में ढीलापन। गाइस, तो मैंने दो अंडे खा लिए हैं, सफ़ेद हिस्सा खाया है, और एक केला खा लिया है, और एक स्कूप गेनर पी लिया है दूध के साथ में, और इसके बाद में पीना है मुझे दलिया दूध में बना हुआ। तो देखते हैं फिर इसके बाद में हमारी क्या रेसिपी रहती है। गाइस, इस टाइम हो रहा है 12, और ये जो समय है नाश्ते के और लंच के बीच में है, और इसमें हमको क्या लेना है, बराबर बराबर हमें मूंगफली और भुने हुए चने लेने हैं, और ये आपको लंच और नाश्ते के बीच में खाने हैं। अभी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा कमी लेकर के मैं आया हूँ, वरना 100 ग्राम चने और 50 ग्राम मूँगफली खा लेते हैं। गाइस, इस टाइम है लंच का समय, और लंच के समय में मैं क्या खा रहा हूँ, टाइम हो रहा है 1:30 से 2 शायद, और देख सकते हैं आप, ये मूंग की दाल और सफ़ेद चावल हैं, ये मैंने बनवा लिए थे, और अंडे उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। अंडे यहाँ उबल रहे हैं मेरे, 4 अंडे मैंने उबालने के लिए रखे हैं, और इनको 4 अंडे को खाने हैं। और जो भाई अंडे नहीं खाना चाहते तो वो 100 ग्राम पनीर भी खा सकते हैं, और जो व्यक्ति चावल नहीं खा सकते, मूंग की दाल नहीं खा सकते, अगर घर में जो भी है 3 से 4 रोटी खाएं और 4 अंडे, 4 अंडे नहीं तो 100 ग्राम पनीर। मैं चावल को खा लेता हूँ, इतने मेरे अंडे भी उबल जाएंगे, तो 200 ग्राम करीब चावल हो बने हुए, और मूंग की दाल 200 ग्राम करीब ही हो, क्योंकि आप बनाओगे 100 ग्राम तो बन जाएंगे वो 200 ग्राम करीब। तो ये खाने हैं, इतने मेरे अंडे उबलने हैं, फिर वो भी खाऊंगा। फाइनली दोस्तों, मेरे अंडे उबल चुके हैं, तो हमारी दोपहर के जो लंच की डाइट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हो। अब मैं इनको फोड़ के छील के खा लेता हूँ 4 अंडों को,
और सफ़ेद हिस्सा हमें खाना है। आपको जो पानी की क्वांटिटी रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, दिन भर में पानी खूब पीना है आपको। तो मैं अंडे खा लेता हूँ, फिर देखते हैं अपनी शाम की रेसिपी क्या रहती है। गाइस तो ये जिम से पहले पीने के लिए मैं ग्लूकोन डी ले लेता हूँ 4 चम्मच। इसमें मैं शाम को 300 ml पानी मिलाकर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। कितने चम्मच डाल दिए ध्यान नहीं रहा। अब गाइस मैं ले लेता हूँ क्रिएटिन 5 ग्राम। तो गाइस ये देख सकते हो स्टार एक्स न्यूट्रिशन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, मैं इसको 5 ग्राम ले लेता हूँ। अच्छे रिजल्ट दिखते हैं इससे ग्लूकोन डी के साथ। आधा लेना है, ये 3 ग्राम का स्कूप है, और उसके बाद में आधा ले लो, 5 ग्राम आपका हो जाएगा। ये गाइस मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि मैं काम पर जाऊंगा और काम पे से ही जिम में होता हुआ अपने घर आऊंगा, तो ये मैंने पहले ही भर लिया है क्रिएटिन और ग्लूकोन डी। तो गाइस इसमें 300 ग्राम पानी मिला करके और मैं इसको पी लूँगा जिम से पहले। गाइस तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना है, कुछ देर साइकिल चला लें। और वार्म अप आपका पूरा होने के बाद जब स्टार्ट करें अपनी वर्कआउट, इससे आपका ये फ़ायदा होगा एक्सरसाइज करते में आपको दिक्कत नहीं होगी जोड़ों में, फिर लटक लें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले डिप्स लगाते हैं फिर लटकते हैं, फिर लटका नहीं जाता उनसे, तो पहले लटकें और उसके बाद में डिप्स लगाएं। अब गाइस अब हुए हैं स्टार्ट हमारे चेस्ट के वर्कआउट सेट। तो गाइस आपको इन सब के जो सेट लगाने हैं, 3-3 सेट लगाने हैं, वेट आपको अपने हिसाब से रखना है और तीनों बार में आपको वेट बढ़ाना है। रही बात रेपिटेशन की, आपको रेपिटेशन रखने हैं 16, 14, 12। तो गाइस सबके ऐसे ही सेट लगाने हैं और 3-3 सेट लगाने हैं। तो जिम के अंदर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, म्यूज़िक बज रहे हैं, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाकर आपको सारी वर्कआउट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो सेट मैं लगा रहा हूँ इसके साथ में आपको पैलेट के साथ हाथों हाथ स्टार्ट करना है, ये वाला वर्कआउट आपको साथ में ही लेना है और 3-3 सेट लगाने हैं आपको, तो हो गए 6 सेट। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, दोस्तों ये जो सेट है इसके बाद में आपको हाथों हाथ लेना है, एक सेट ये वाला, एक सेट ये वाला, ये दोनों आपको एक साथ लगाने हैं, ये वाला सेट और वो सेट आपको दोनों एक साथ लगाना। Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Guys, ye hai hamara 7th set.
तो हमारे 7 सेट हो चुके हैं, तो वर्कआउट हो गई हमारी पूरी। गाइस तो मेरी वर्कआउट निमट चुकी है, तो मैं जाता हूँ घर पर और देखता हूँ क्या का खाना है, प्रोटीन वगैरह गेनर अपना, और देखते हैं क्या का खाते हैं, तो चलते हैं मिलते हैं दोबारा घर। गाइस जो हमारे वर्कआउट के बाद में जो डाइट है वो कुछ ये है, 300 ग्राम मैंने दूध ले लिया है और 4 अंडे ले लिए हैं, जो हमें सफ़ेद हिस्सा हमें खाना है। और गाइस ये ले लिए मैंने 2 केले यानी बनाना, और ये ले लिया है ओट्स, इसको हमें खाना है 50 ग्राम गेनर में मिक्स कर स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर, और इसका मैं लेने वाला हूँ 1 स्कूप। तो 1 स्कूप मैंने सुबह में भी लिया था और अब शाम को भी ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा 1 स्कूप, और इसमें हम ले लेते हैं अंदाजे से 50 ग्राम ओट्स। तो दोस्तों 50 ग्राम मैंने ओट्स ले लिए हैं, और इसके बाद में ये केले हैं, इनको मैं पहले खा लेता हूँ। दोस्तों ये दूसरा मेरा केला खत्म होने वाला, अब गाइस मिक्स कर लेता हूँ आपस में ओट्स के साथ में। तो गाइस ये मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं इसको तेज़ी से पी लेता हूँ। गाइस तो मैंने प्रोटीन पी लिया है यानी गेनर, अब खा लेता हूँ मैं अंडे। हमें जर्दी नहीं खानी है, सफ़ेद सफ़ेद वाइट हिस्सा खाना हमें, ऐसा हमें वाइट हिस्सा खाना है और जर्दी हमें फेंक देनी है। तो मैं 4 अंडे खा लेता हूँ फटाफट से। तो हमारी डाइट यहाँ तक पूरी नहीं है क्योंकि हमें अभी डिनर भी खाना है। गाइस जो हमने एक्सरसाइज के बाद में जो डाइट ली है उसके 15-20 मिनट बाद हमें, अगर आपने बनाया है गोंद बाकी सब चीज़ मिला करके, जैसे बादाम काजू किशमिश और बाकी वगैरह वगैरह जो चीज़ डलती हैं गोंद में, तो 15-20 मिनट बाद आपको एक कटोरी वो खाना है गोंद। और जो व्यक्ति अगर गोंद नहीं बनाया है, सिर्फ सूखे मेवे ही लिए हैं, तो वो भाई प्रोटीन के साथ में ऐड करके पिएं या उसके साथ में चाप चाप कर खाएं। तो दोस्तों मैंने तो गोंद बनवाया है, तो गोंद दिखाता हूँ आपको। गाइस ये है हमारा गोंद, इसमें मखाने काजू और किशमिश पिस्ते और 5 मगज, इसमें सब चीज़ है, और आपको ऐसी ताकत देगा ये, आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा, दर्द भी होता होगा तो दर्द भी नहीं होगा। इतना आपको 15-20 मिनट बाद आपको एक्सरसाइज के बाद में जो प्रोटीन वगैरह सब चीज़ मैंने दिखाई उसके बाद में ये खाना है। गाइस अगर ये बनवा लिया तो टेस्टी भी है और आपको ऐसी बदन के अंदर एनर्जी और ताकत मिलेगी जो आपको किसी चीज़ में नहीं मिल पाएगी, इस जैसी ताकत। गाइस आप ये वीडियो कौन से दिन में देख रहे हैं, लेकिन चेस्ट वर्कआउट है, आपको पीर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि चेस्ट वर्कआउट पीर से स्टार्ट होती है। और आप लोग इस डाइट को और वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ साथ, आपको अगली वीडियो फिर दोबारा मिल जाएगी। तो डिनर में मैं क्या ले रहा हूँ, 200 ग्राम करीब चावल, सफ़ेद चावल और मूंग की दाल। इसमें आपको प्रोटीन कार्ब्स फैट ये सब मिलने वाला है। दोस्तों आपको एक काम और करना है, खीरे लेकर के रख लेने घर पर, मैं तो भूल गया था ला नहीं पाया, तो एक खीरे की सलाद और खाएं साथ में डिनर में। 200 ग्राम करीब चावल और मूंग की दाल, मूंग की दाल अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो गाइस मैं इसको तेज़ी से खा लेता हूँ। 200 इसको तो सबको मैं खा लूँगा, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी गई है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो आपका वहाँ पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी आपको, चेस्ट वर्कआउट की और डाइट की, तो बताना। और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बात लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।